ओके सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक मिनिमाइजेशन कर लिया था अपने कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब हमारा एम क्या है कि हमें क्या करना है, अपने मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, टास्क में, टास्क में जाकर के आप लोग डैशबोर्ड पे जाना, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। तो जब आप मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स ओपन करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, वर्क स्पेस से भी लोड कर सकते हो अपना मॉलिक्यूल, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं इम्पोर्ट करती हूँ तो मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है जहाँ पे मेरा मतलब मिनिमाइज कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फाइल्स है ना आपकी, तो आपको इसमें से out.cms फाइल लेनी है, ठीक है। out.cms फाइल लेकर के ओपन कर देनी, तो जो आपका मिनिमाइज कॉम्प्लेक्स है वो खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक। और जो आपकी मतलब मिनिमाइजेशन वाली जॉब है ना, उसका टाइटल होगा, मैं अंडरस्कोर मिन लिखा होगा, ठीक है। तो अगर आप कभी आपका वर्क स्पेस से हट जाए और आपको लोड करनी पड़े, तो आप वो जॉब फाइंड आउट करना जिसमें अंडरस्कोर मिन हो, ठीक। अब यहाँ पे लोड हो गया है, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले सिमुलेशन टाइम, मतलब कितने लॉन्गर टाइम तक हमें क्या करना है, रन करना है। तो अभी आप इसको 1 नैनो सेकेंड रखो, ठीक है, ताकि कल तक आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए। मुझे नहीं पता मतलब आपकी उसमें कितना फास्ट चलेगा, तो इसको 1 नैनो सेकेंड रखते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग इंटरवल्स, PS। अब इसका मतलब है कि जब वो इमेज लेगा ट्रेजेक्ट्री की, तो कितने टाइम पे लेगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है 1 नैनो सेकेंड में कितने पीको सेकेंड होते हैं? हाँ किसी को पता है 1 नैनो सेकेंड में कितने पीको सेकेंड होते हैं? 1000 हाँ किसने आंसर किया? मैम दैट वाज मी। ओके ओके हाँ 1 नैनो सेकेंड में 1000 पीको सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि रिकॉर्डिंग इंटरवल ट्रेजेक्टरी 4.8, इट मींस जब हम लोग 1000 पीको सेकेंड तक जॉब रन करेंगे, 1 नैनो सेकेंड की जॉब रन करेंगे, तो आफ्टर एवरी 4.8 पीको सेकेंड ये क्या करेगा, चेंजेस मतलब ट्रेजेक्टरी से पोजेस, प्रोटीन की पोजेस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। ये अगर आप जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होंगे मेरे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, सपोज मैंने ये 1 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 1000 फ्रेम, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फ्रेम हो गए 1000, मतलब हर 1 पिको सेकेंड के बाद ये एक उसका स्ट्रक्चर ले रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो साइज होगा, जो आपके आउटपुट फाइल्स होंगी वो बढ़ जाएंगी नंबर ऑफ फ्रेम्स जैसे ही इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अभी के टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक। सपोज मैंने इसको 2 कर लिया यहाँ पे, अब क्या करेगा, आफ्टर 2 सेकेंड ये क्या करेगा, फ्रेम्स लेगा उसमें से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि हमें कैसे कैसे लेनी है, मतलब ट्रेजेक्टरी की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ठीक। अब देखो एनसेम्बल जो हमने पढ़ा था ना, एनसेम्बल, NPT, नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रेशर और टेम्परेचर, ये क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ठीक। प्रेशर कितना लिया है इसने, 300, ठीक। टेम्परेचर है 1.0135, ओके। सो रिलैक्सेशन प्रोटोकॉल लिया है, मतलब उसको क्या कर रहा है, इक्विलिब्रेट कर रहा है ये आफ्टर गोइंग टू द एक्चुअल प्रोडक्शन रन। अब इसके कुछ एडवांस ऑप्शन भी होते हैं, अगर आप एडवांस में करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रेशन मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेने हैं, तो 2 फेमटोसेकेंड्स बॉन्डेड, ठीक है। तो आफ्टर 2 फेमटोसेकेंड ये क्या करेगा, मतलब चेक करेगा, स्टेप्स लेगा इंटीग्रेशन, मतलब कि जो ट्रेजेक्ट्री है ना उसकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक। उसके बाद एनसेम्बल, तो देखो हमें क्या करना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर NPT और NVT जो कंडीशंस होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए मतलब कुछ एल्गोरिदम्स होती है। तो जो एल्गोरिदम टेम्परेचर को रेगुलेट करती है उसको बोलते हैं थर्मोस्टैट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के थर्मोस्टैट्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे नूस हुवर है, बेंडरसन है, लैंगविन है, ठीक है। या फिर आपको नहीं करना है तो नैन कर लो, ठीक। तो यहाँ से हम इसको चूज कर सकते हैं, टेम्परेचर भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
ठीक, वैसी जैसे यहाँ पे क्या है, थर्मोस्टेट है क्योंकि हम एनपीटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे, बैरो स्टार्ट लगाएंगे। बैरो मतलब इट इज डीलिंग विद द प्रेशर, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिदम्स और मेथड्स होते हैं, वैसे ही बैरोस्टैट की भी अलग अलग एल्गोरिदम्स और मेथड्स होती है, ठीक है। जैसे ये इसके मेथड्स हैं, तो इसको अभी हम लोग डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, ठीक। अब इसका मेथड है कि हमें कैसे करना है। उसके बाद इंट्रैक्शंस, ठीक, कि हमें इंट्रैक्शंस की कट ऑफ कितनी लेनी है, मतलब हमें कितनी डिस्टेंस की इंट्रैक्शन को कंसीडर करना है। तो इसने लिखा हुआ है 9 एंगस्ट्रॉम तक की शॉर्ट रेंज कट ऑफ को यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, मतलब अगर 9 एंगस्ट्रॉम तक जो भी इंटरेक्शंस बन रही है उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक, कूलाम्बिक इंटरेक्शंस है, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल टेपरिंग, फोर्स फील्ड टेपरिंग शिफ्ट। तो फिलहाल मतलब ये मेथड है कि किस मेथड से हम लोग क्या करेंगे इसको, मतलब कूलाम्बिक इंटरेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन क्या होता है कि आपको पता है कि आपके कुछ एटम्स हैं वो क्या है कि मतलब कितने क्लोज होने चाहिए, उसमें कितना फोर्स होना चाहिए। मतलब सपोज कि आपके पास एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसका आपने 2D NMR करा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको एक वैल्यू पता चल गई कि क्या क्या मतलब मतलब कौन से बॉन्ड है जो श्योर है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे रिस्ट्रेंस लगा सकते हो। फिर आउटपुट, आउटपुट आपको मतलब कैसे लेना है, एनर्जी सिक्वेंस का नाम क्या होगा, .ENE से सेव होगा, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री फाइल की अंडरस्कोर, मतलब जो फाइल ट्रेजेक्टरी वाली बनेगी _TRG में होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइम, ये सब चीजें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इफ यू नो। उसके बाद मिसलेनियस फैक्टर है, लाइक सीड क्या है, कस्टम 207 या फिर रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक। वंस यू हैव सेट ऑल दीज पैरामीटर्स, फिर आपको क्या करना है, अगेन अपनी जॉब को नेम देना है, ठीक। ऑलवेज रिमेम्बर जो जॉब यहाँ यहाँ तक होगा, जो जैसे यहाँ पे MD लिखा है, मिनिमाइजेशन में मिन लिखा रहता है, इसको मत चेंज करना, ये आपको ना आउटपुट फाइल को नेविगेट करने में हेल्प करेगी, ठीक। उसके बाद जस्ट गिव द जॉब नेम हियर, लाइक MD ट्रेनिंग आई एम गिविंग, ठीक, MD ट्रेनिंग। आफ्टर दैट अगर आपके आपके पास कोई मतलब अगर आप अपेंड करना चाहते हो, अपेंड न्यू एंट्रीज टू द न्यू ग्रुप, मतलब जैसे ये है ना न्यू ग्रुप्स, अब देखो आउटपुट आया तो न्यू ग्रुप बन गया उसका, ठीक है। डू नॉट इनकॉर्पोरेट, अगर आप डू नॉट इनकॉर्पोरेट करोगे तो मतलब आपकी जॉब क्रिएट हो जाएगी, आउटपुट फाइल पर प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगी। अपेंड न्यू एंट्री इन प्लेस, तो जहाँ पे आपका लास्ट आउटपुट था वहीं पे ही होगा, ठीक। प्रोसेसिंग यूनिट CPU और GPU, ठीक। अब देखो मेरे केस में क्या है, GPU प्रॉब्लम कर रहा है, अभी GPU अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CPU ही ले लिया। अब CPU और GPU को लेने से प्रॉब्लम ये मतलब चेंजेस ये होंगे कि CPU क्या करेगा, टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ GPU। उसके बाद आपके उसमें कि कितने ज्यादा प्रोसेसर्स है, सपोज मेरे उसमें 20 प्रोसेसर्स है, तो मैं यहाँ पे वो नंबर इंक्रीज करती हूँ। जैसे ही मैं प्रोसेसर नंबर इंक्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरी जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, मेरी जॉब जो होगी वो जल्दी इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक। उसके बाद क्या कर देंगे, रन कर देंगे हम इसको सिंपल, ठीक है, सिंपल। दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। सो मैंने पहले ही ये जॉब जो है वो रन की हुई है फॉर 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन नहीं कर रही। अच्छा, अगर आपकी कोई जॉब रन हो रही है ना यहाँ पे और आपको क्या करना है, वो जॉब नहीं चलानी है, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, आप उसको सिंपली यहाँ से किल कर दो, ठीक है। किल करोगे तो जॉब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर आपको टेम्परेरी जॉब पॉज करनी है, आपको लग रहा है कि आपने 2 जॉब चलाई हुई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंप्यूटेशनल टाइम बन रहा है, आप चाहते हो कि 1 जॉब एट ए टाइम रन करो, तो आप क्या कर सकते हो, जॉब को चलाओगे जैसे। सपोज मैंने यहाँ से जॉब रन कर दी है, ठीक। सो व्हाट कैन यू डू, यू इफ यू वांट टू जस्ट स्टॉप दिस जॉब टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी आप ये जॉब को स्टॉप करना चाहते हो, जस्ट सिलेक्ट द जॉब्स एंड देन पॉज, ओके। नाउ योर जॉब विल नॉट बी किल्ड बट इट विल स्टॉप्ड फॉर अ टाइम। अगर आपको इस जॉब को दोबारा चलाना है तो जस्ट रिज्यूम दिस जॉब। जैसे ही आप इसको रिज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से मतलब चलने लगेगी फिर से, ठीक है, जैसे रनिंग स्टेटस आ गया, ठीक है। स्टॉप भी कर सकते हो, आप जॉब को रोक सकते हो,
कि आप नहीं चलानी है, ठीक। तो ये चीजें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो जॉब चलेगी ना यहाँ पे, तो उसकी डिटेल सारी यहाँ पे आ जाएगी जो मॉनिटर पैनल पे, वेर यू कैन सी व्हाट आर द लाइक डिफरेंट फाइल्स, इनपुट फाइल एंड आउटपुट फाइल विच आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस स्टेप, और जॉब की समरी लाइक व्हाट व्हाट इज द स्टार्ट टाइम, व्हाट इज द लाइक एट व्हाट टाइम इट विल बी कंप्लीटेड, ऑल दीज थिंग्स विल अपियर हियर। सो एक चीज और है, जब आप ये जॉब चलाओगे तो दे विल बी वेरियस स्टेप्स, लाइक दिस जॉब्स टेक्स कंप्लीटेड इन द 7 स्टेप्स और 8 स्टेप्स, ओके। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जैसे ये क्या है, मेन जॉब है, ठीक है, मेन जॉब है मेरी एमडी जॉब रनिंग, ठीक। अब अगर आप इस ट्रायंगल को लाइक इफ यू क्लिक दिस ट्रायंगल यू विल गेट टू नो इस जॉब के अंदर कौन सी सब जॉब चल रही है, ठीक है। तो जैसे ये एमडी सिमुलेशन जॉब _2 चल रही है, कि फर्स्ट जॉब चल रही है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब इसमें आपकी जो जॉब है, ठीक, क्या क्या उसके पैरामीटर्स है एल्गोरिदम्स में, जैसे ये यहाँ से आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो एल्गोरिदम प्रोग्राम यूज हुआ है बैक एंड में, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या पैरामीटर्स हुए। उसके बाद यहाँ से आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, ठीक। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो जॉब है वो कितने केमिकल सेकंड तक हुई है, लाइक 1.2 पिको सेकंड की जॉब कंप्लीट हो गई है, 7.2 पिको सेकंड की जॉब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल, इससे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपकी जो जॉब है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अब जैसे मेरी ये जॉब पूरी, आई जस्ट रन दिस जॉब कंप्लीटली, सो यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जिसपे ये मेरी जॉब चली हुई है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था इसका, ये आपको तभी तक विजुअलाइज होगा इसका करंट रनिंग स्टेप्स जब तक ये चल रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये था, फिर सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिर ये था। उसके बाद जो एक्चुअल जॉब चलती है वो एंड में चलती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन रन चलती है उससे पहले जो भी जॉब चलती है ये सब इक्विलिब्रेशन स्टेप्स होते हैं, लाइक मिनिमाइजेशन होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एनपीटी एनवीटी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ड्यूरिंग द मॉलिकुलर डायनेमिक सिमुलेशन, एंड आफ्टर वी गेट एन इक्विलिब्रेटेड स्ट्रक्चर देन द प्रोडक्शन रन स्टार्ट, मतलब जो लास्ट रन होती है जिससे हमें ट्रेजेक्ट्री मिलती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन रन, ठीक। तो ये जॉब जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी मॉलिकुलर डायनेमिक्स की, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट द वेरियस लाइक आउटपुट फाइल्स, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो जैसे ये मेरी जॉब है ना, एमडी एमडी डेसमेंट _एमडी जॉब, इट मींस यहाँ पे मैंने क्या चलाया हुआ है, मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन चलाया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, या दिस इज द एक्चुअल फाइल जॉब विच आई हैव रन यस्टरडे। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिमुलेशन यू विल गेट वेरियस फोल्डर्स, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है आपका, जिसमें जिसका जो लास्ट एक्सटेंशन है वो है _TRG, सो ये क्या है, आपके ट्रेजेक्ट्री फाइल्स है, मतलब जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि हम लोगों ने सेट किया कि आफ्टर every 1 पिको सेकेंड या फिर आफ्टर every 2 पिको सेकेंड्स वी आर टेकिंग द स्ट्रक्चर विच गॉट चेंज, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस फोल्डर में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये frame 1 है, ठीक, frame 0, frame 1, frame 3, frame 4, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं आपके जो कि उसमें मतलब कंबाइन आपको मिले हैं आफ्टर दिस सिमुलेशन गॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो अगर आपको कभी कुछ फर्दर वर्क करना है ना, कि जैसे आपको ट्रेजेक्ट्री क्लस्टरिंग करनी है या फिर चेंज करनी है, या किसी दो ट्रेजेक्ट्रीज को कभी कभी क्या होता है, हम हाफ जॉब पहले चला लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है नहीं जॉब जो है वो दिस इज नॉट कम्प्लीटेड, वी नीड टू रन 1 मोर जॉब, आफ्टर दैट वी कंबाइन द ट्रेजेक्ट्री, उसके लिए ट्रेजेक्ट्री फाइल आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ट्रेजेक्ट्री फाइल में रहती है, ठीक। देन दिस चेक पॉइंट फाइल,
जिसमें कुछ मतलब माइलस्टोन सेव होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज डॉट ई एनी फाइल, दिस इज बेसिकली द एनर्जी वैल्यूज आर स्टोर्ड इन दिस ई एनी फाइल्स. ओके लाइक दिस. देन अनदर इम्पॉर्टेंट इज दैट दिस इज अ लॉग फाइल जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस टाइम पे क्या हुआ था. सपोज क्या हो गया कि आपकी जॉब कभी डाई होगी सडनली, ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू ट्रैक आउट लाइक वाई माई जॉब गॉट डाइड, सो यू कैन चेक दिस लॉग फाइल्स. और इफ यू वॉन्ट टू नो समटाइम्स वेन यू फॉरगोट वट वॉज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स यू हैव यूज फॉर योर जॉब, देन दैट टाइम यू कैन गो टू दिस लॉग फाइल जिसमें आपको सारी इन्फो मिल जाएगी कि कौन से पैरामीटर्स यूज हुए थे, कौन सा फोर्स फील्ड यूज हुआ था. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड इन दिस लॉग फाइल, राइट? यस, यू कैन सी दैट दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स और कौन सा स्टेप किस किस टाइम पे चला, केमिकल टाइम क्या था, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. ठीक, उसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है, ये इनपुट फाइल है आपकी इनपुट डॉट सी एम एस. दिस इज मल्टी सिम लॉग, माई मीन मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन, अगेन द लॉग फाइल. नाउ अदर इम्पोर्टेंट फाइल इज दिस आउट आउट डॉट सी एम एस फाइल. ओके, दिस इज द आउटपुट फाइल फॉर योर सिमुलेशन. तो अगर आपको इंट्रैक्शन डायग्राम कैलकुलेट करने, इट मीन्स यू वॉन्ट टू सी वट आर द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन योर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डॉकिंग, तो ये फाइल आपको लोड करनी पड़ेगी, ठीक है. और ऑलवेज कीप इन माइंड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री गॉट जनरेटेड इन, मीन्स द ट्रेजेक्ट्री फॉर्मेट कैन बी डिफर्ड ड्यू इन लाइक प्रोग्राम टू प्रोग्राम. इन सम प्रोग्राम्स द ट्रेजेक्ट्री फॉर्मेट इज एक्स वाई जी फॉर्मेट, राइट? सो दिस इज द थिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट द सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम. तो ये फाइल का थोड़ा आइडिया रखिएगा कि क्या क्या हुआ है ड्यूरिंग द सिमुलेशन. सो वंस अवर सिमुलेशन इज कंप्लीटेड, यू विल गेट द ट्रेजेक्ट्री. ओके, सो द ट्रेजेक्ट्री इट विल यू कैन सी दैट विद द सिंबल टी. ठीक, एक बार मैं फिर से इसको लोड करके दिखाती हूँ आपको. तो आप क्या करोगे, जैसे आप सिंपल जो फाइल आप लोड करते हो वैसे ही आप इसको लोड कर सकते हो. इंपोर्ट स्ट्रक्चर्स, गो टू द फोल्डर वेर यू हैव सेव्ड योर ट्रेजेक्ट्री फाइल. ओके, सो यहाँ से आपको कौन सी फाइल लेनी है, आउट डॉट सी एम एस फाइल. दिस आउट डॉट सी एम एस फाइल, जस्ट ओपन दिस फाइल. ठीक, अब जब आप इसको लोड करोगे आउट डॉट सी एम एस को, योर ट्रेजेक्ट्री विल बी लोडेड. तो अभी तो ये आपको ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे दिख नहीं रही, अभी तो आपको जैसे पहले सिमुलेशन के टाइम पे स्ट्रक्चर दिख रहा था, सॉल्वेंट और स्ट्रक्चर वो दिख रहा है. तो टू सी द ट्रेजेक्ट्री यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टी बटन. ठीक, अब देखो जैसे ही आपने टी को क्लिक किया, सो नीचे एक पैनल दिखेगा आपको लाइक दिस. ओके, दिस इज द स्टार्ट बटन फॉर मूव वन स्टेप फॉरवर्ड करंट फ्रेम. सो करंट फ्रेम इक्वल्स टू वन. ओके, सो क्योंकि हमने क्या किया, 4.2 में लिए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है इसमें, 418 है, 418. ओके, सो फ्रेम वन मीन्स जो आपका फर्स्ट फ्रेम है, जो आपका इनिशियल स्ट्रक्चर था, दैट इज योर फ्रेम वन. ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे इसको फॉरवर्ड करोगे, अब देखो ये मूव होने लगा है ना, इट मीन्स ये आपको पूरे फ्रेम टू फ्रेम दिखा रहा है कि कैसे आपका स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, सिमुलेट हुआ जिस टाइम पे. ठीक है, कैसा आपका जो प्रोटीन है वो मोशन में है. ठीक, अब आप इसको बैकवर्ड भी रन कर सकते हो यहाँ से, इफ यू वॉन्ट टू रन बैकवर्ड. ठीक, अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, यहाँ पे आपको सिर्फ आपका प्रोटीन और सॉल्वेंट हिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ से. तो फॉर द विजुअलाइजेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम, दिस मैनुअल विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज इससे ही आपको पता चलेगा कि आपके प्रोटीन में एक्चुअल चेंजेस क्या आ रहे हैं.
सो फॉर द विजुअलाइजेशन यू नीड टू डू वन थिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्ट्रक्चर हायरार्की टैब. ओके, देन यू नीड टू चेंज सम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, लाइक यू कैन हाइड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एज आई हैव आई हाइड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर एटम्स. नाउ अगेन वी कैन सी ओनली द प्रोटीन एंड द लिगेंड इन अवर स्ट्रक्चर. ऑल राइट, नाउ आई विल चेंज द प्रोटीन एज वेल. आई विल शो प्रोटीन एज दिस इन दिस फॉर्मेट, लाइक रिबन फॉर्मेट. ओके, देन यू कैन शो यूर लिगेंड दिस जे जी जी फोर, दैट इज योर लिगेंड. Okay, so now we have the protein and the ligand here. So now you can see what part of your ligand or the protein is moving when the simulation is taking place. Like you can see from here, this this part of your ligand is moving and this part of your ligand is rigid a little bit. Okay, the 2D structure of your ligand is this toggled here. Okay, so you can see from the trajectory. अब अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत फास्ट है, आई कैन नॉट ट्रैक द चेंजेस, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेंज द स्पीड, लाइक गो टू द प्लेबैक सेकंड. नाउ यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेबैक डायरेक्शन, लाइक यू कैन मूव टू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड. Now you can see that it is moving a little bit slower. Okay, so ऐसे आपको स्पीड इसकी मैनेज करनी है देखने के लिए. Now other things you we can see if you want to align with the frame one. अगर आपको लग रहा है कि फ्रेम वन के साथ आपको नहीं अलाइन करना है, यू थिंक दैट आफ्टर एनालाइजिंग योर सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम दैट फ्रेम 15 कैन बी द इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर. ठीक है, देन द अलाइनमेंट. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फ्रेम. दैट अलाइनमेंट यू कैन चेंज फ्रॉम द हेयर, लाइक लिगेंड प्लस बाइंडिंग साइट, लिगेंड मॉलिक्यूल वन कस्टम सिलेक्शन. देन देयर कैन बी सम एडवांस ऑप्शन, लाइक यू कैन डिफाइन द बाइंडिंग साइट. ओके, डिस्प्ले ओनली यू कैन डिस्प्ले द यू कैन डिफाइन द बाइंडिंग साइट. ठीक है, और यू कैन लाइक यू कैन शो एंड नॉट टू शो द सिमुलेशन बॉक्स. So these are the things which you can do for the visualization of your interactions. Now, ये तो हमने देख लिया कि हमें पता करना है अपने स्ट्रक्चर को देखे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक, अब अगर आपको जैसे हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं लाइक विद रिस्पेक्ट टू द RMSD एंड ऑल, तो वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वी विल अगेन गो टू द टास्क. देन द टास्क देयर इज इन लाइक मॉड्यूल सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम. Just click on this simulation interaction diagram. Load your trajectory file, like load. Okay, load from the. One second now. Load from the trajectory file. Again, we will need, we will be, what we will need, we will need the out.cms file. Now, you can load the trajectory file here. After that, you will get some of the options like selection, protein. So, it you can go for the auto because there is only one protein. Then the ligand, it can also be selected as an auto. Okay. But suppose you have more than two ligands, like you have kept the cofactor as well. ठीक है, तो सी जो प्रोटीन है आपको पता है कि उसमें उसकी फंक्शनैलिटी के लिए कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो यू वॉन्ट टू सी कि कोफैक्टर की प्रेजेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं लिगेंड इंट्रैक्शन में. ओके, सो इन दैट केस यू नीड टू सिलेक्ट योर लिगेंड मॉलिक्यूल्स. ओके, सिलेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक वट इज द मॉलिक्यूल नंबर ऑफ योर लाइक योर लिगेंड, लाइक चेन से सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चेन से सिलेक्ट करके तो चेन ए. ठीक है,
या फिर एंट्री क्या है आपकी, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो रेजिड्यू से। जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे रेजिड्यू टाइप, ओके, सो Z4 है आपका, Z4 एड, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेजिड्यू टाइप सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और बेटर है कि आप इसको और इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, इन अवर केस वी हैव ओनली वन लिगेंड, वी विल गो फॉर द सिलेक्शन ऑटो लिगेंड, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम 0 आपका इनिशियल फ्रेम, उसके बाद कौन कौन से टाइप के एनालिसिस आपको करने हैं, लाइक यू वांट टू कैलकुलेट द RMSD, RMSF, लाइक RMSD मींस रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूटीन RMSF लाइक रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, SSC मीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लिगेंड RMSF मीन्स लिगेंड की जो रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन है, लाइक विच पार्ट ऑफ द प्रोटीन और लिगेंड इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज नोन एज एज द रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, देन द प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन, लिगेंड टॉर्शन, लिगेंड प्रॉपर्टीज, ऑल दीज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट वाइल परफॉर्मिंग द सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम एनालिसिस, ऑल राइट। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल, और इफ यू वॉन्ट टू डू अ पर्टिकुलर एनालिसिस यू कैन सिलेक्ट द वन, आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू रन, ठीक है। जस्ट आप रन करोगे तो ये जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब जॉब कितनी देर में कंप्लीट होगी ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, लाइक इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स और द रिकॉर्डिंग ट्रेजेक्टरी, सो ये आपका ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू कैन रन दिस जॉब, और वंस यू हैव रन द जॉब देन यू विल गेट सम फाइल्स, लाइक द फाइल विद डॉट ई एफ, लाइक फाइल विद द डॉट ई एफ एक्सटेंशन, लाइक दिस वन, MD जॉब के ट्रेनिंग अंडरस्कोर आउट डॉट PL डॉट ई एफ, ओके। सो ई एफ फाइल डिनोट्स द फाइल विच कंटेन्स द सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम्स, सो सिलेक्ट दिस फाइल एंड यू कैन ओपन दिस, और इफ यू हैव परफॉर्म द सिमुलेशन इट विल ऑटोमेटिकली शो लाइक दिस, और अगर आपको दोबारा से ओपन करनी है तो डॉट ई एफ फाइल को आप ओपन कर सकते हो, ठीक। सो दिस इज द पैनल सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम आफ्टर योर जॉब गॉट कंप्लीटेड, ओके। इससे पहले देखा है किसी ने ये वाली जॉब, सिमुलेशन जॉब्स को, किसी को कोई आइडिया है क्या है ये? मैम, इट्स लाइक हाउ स्टेबल द लाइगेंड इज बाइंडिंग टू द प्रोटीन. वो कैसे पता चलेगा हमें कि प्रोटीन कितना स्टेबल है और लाइगेंड कितना स्टेबल है? आई थिंक इट्स इट हैज टू बी लोअर देन 3 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर द प्रोटीन. यस, इट हैज टू बी लोअर, बट व्हाई, व्हाट इज दिस, लाइक रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मीन्स व्हाट? हाँ, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन यानी कि इट इज लाइक कैलकुलेटिंग द डेविएशन ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ना, जब हमने जनरेट किया था तो हमने लिया था फ्रेम 0 यानी कि इनिशियल स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली, हम क्या कर रहे हैं अपनी जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मीन्स वी आर चेकिंग द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी लाइक सिमुलेशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू अवर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सपोज अब हमारे जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था, अब देखो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 के करीब से, क्योंकि जो फ्रेम 0 था, फ्रेम 0 से 0 के बीच में तो कोई होगी नहीं ना फ्लक्चुएशन, उसके बाद हम देखेंगे थ्रू आउट लाइक दिस इज द टाइम सिमुलेशन टाइम एट 0.25 नैनो सेकेंड, 0.50 नैनो सेकेंड, 0.75 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 0 1.25 नैनो सेकेंड, 1.50 नैनो सेकेंड, 1.75 एंड 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये इस टाइम पे आपका स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर विच वॉज प्रेजेंट एट 0.25 नैनो सेकेंड, हाउ मच इट इज, हाउ इट इज, हाउ डज इट लुक्स इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, लाइक फ्रेम 0 इनिशियल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एट द 0.25 नैनो सेकेंड, ओके। दैट वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम लाइक दिस RMSD डायग्राम, ऑलराइट। सो ये चीज हम देखते हैं, सेम लिगेंड का केस है,
वी आर चेकिंग द पोजिशन ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल कन्फर्मेशन ओके फॉर द प्रोटीन. सो दैट्स द थिंग वी आर डूइंग हियर. नाउ यू कैन सी देर आर टू लाइन्स ऑन द ग्राफ. वन इज द ब्लू लाइन लाइक सी एल्फा विच इज डिनोटेड एज ब्लू स्ट्रक्चर लाइक वन सेकेंड ऑफ या दिस वन. ठीक. दिस इज द प्रोटीन आर एम एस जी लाइक द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल फ्रेम. ऑल राइट. सो वट आर वट इज द डिफरेंसेस. सो इफ यू विल जस्ट होवर योर माई माउस ओवर दीज पिक्स. सो जस्ट फोकस हेयर यू कैन सी द वैल्यूज. ओके. सो इफ आई क्लिक हेयर सो यू कैन सी दिस इज फ्रेम नंबर 91. ओके. एट 0.44 नैनो सेकेंड. ठीक. द प्रोटीन आर एम एस जी इज 1 एंगस्ट्रॉम. सो इट मीन्स अवर प्रोटीन हैज शोन द डिफरेंसेज बिटवीन अवर इनिशियल फ्रेम एंड अवर द जनरेटेड स्ट्रक्चर इज 1 नैनो सेकेंड. ऑल राइट. सो दिस इज द थिंग विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर. सो दैट इज डेविएशन फॉर अ स्टेबल ट्रेजेक्ट्री. इट शुड नॉट बी मोर देन 3 एंगस्ट्रॉम. ऑल राइट. देन यू कैन सी द लिगेंड आर एम एस जी. सो लिगेंड आर एम एस जी अलाइंड ऑन द प्रोटीन. सो वट हाउ द इनिशियल हाउ वॉज द कन्फर्मेशन ऑफ द लिगेंड वेन इट वॉज अलाइन टू द फ्रेम जीरो एंड हाउ मच इट हैज बीन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिमुलेशन विच यू कैन सी फ्रॉम दिस. ओके. सो लिगेंड आर एम एस जी. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ लिगेंड आर एम एस जी लाइक 0.15, 0.30, 0.135. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस हाइएस्ट आर एम एस जी वैल्यू सो इट इज 0.91 लेस देन 0.1.38. ओके. सो इट मीन्स लेस देन 2 एंगस्ट्रॉम. सो यू कैन वी कैन से दैट इट इज स्टेबली बाइंड टू द प्रोटीन. ऑल राइट. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम दिस लिगेंड इंटरेक्शन डायग्राम. सो अभी ये जो सिमुलेशन है ना दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम 2 नैनो सेकेंड. सो बस ये आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है कि हम लोगों को पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है. ठीक. सो अभी तक जो हमने देखा हमने पहले देखा था कि प्रोटीन अलाइन टू द सी एल्फा लाइक सी एल्फा पे कार्बन एल्फा जो चेन होती है प्रोटीन की उसके रिस्पेक्ट में कैसे है. अब सपोज मुझे देखना है बैकबोन के रिस्पेक्ट में. हम लोग सबका खोल लेते हैं सी एल्फा के रिस्पेक्ट में बैकबोन के रिस्पेक्ट में साइड चेन के रिस्पेक्ट में. ठीक. हैवी एटम्स के रिस्पेक्ट में. सो वी कैन सी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोटीन. ओके. लाइक वाइज वी कैन सी इन द केस ऑफ द प्रोटीन लिगेंड एज वेल. लाइक दिस इज द लिगेंड अलाइन टू द प्रोटीन कितना इसने आर एम एस जी शो किया है और विद रिस्पेक्ट टू द अलाइन ऑन द लिगेंड लाइक वट वॉज द इनिशियल कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन और कितना ये चेंज हुआ. तो देखो कितना कम चेंज हुआ है लेस देन 0.75, 0.60. मतलब लिगेंड का जो कन्फर्मेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. कभी कभी क्या होता है लिगेंड में रोटेटेबल बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. और हमने जो इनिशियल कन्फर्मेशन लिया है फ्रॉम द डॉकिंग दैट इज नॉट स्टेबल. इन दैट केस इट विल शो सम ऑफ द डेविएशन. ओके. सो हमें वही देखना है कि स्टेबल कन्फर्मेशन लिगेंड का क्या है इसने किस चीज पे किस पॉइंट पे क्या किया है. अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं. मुझे लग रहा है सपोज कि इस पॉइंट पे लाइक एट 0.90 फ्रेम नंबर 188 पे मेरे लिगेंड ने बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है डेविएशन शो किया हुआ है. सो आई कैन गो फॉर द लाइक मैनुअल विजुअलाइजेशन जो हम इनिशियली कर रहे थे. मैं देख सकती हूँ उसको कि मेरे प्रोटीन में उस टाइम पे मतलब मेरे लिगेंड में क्या क्या चेंजेस आए हुए. ठीक है. सो दिस इज अवर फर्स्ट एनालिसिस दैट इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. देन पी एस एस सी लाइक प्रोटीन लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो दिस इज स्ट्रैंड विच इज डिनोटेड बाय द लाइक साइन कलर एंड दीज आर द हेलिक्स विच आर डिनोटेड बाय द ऑरेंज कलर. देन द लूप आर डिनोटेड बाय द वाइट कलर. ओके. सो दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन ऑफ एमिनो एसिड पैसे तो कम ही लगेगा। जीरो टू लाइक द लास्ट एमिनो एसिड ऑफ द प्रोटीन. ठीक है. सो यू कैन सी दैट दिस 0 to 10 और 0 to 10 और लेट सपोज सो 0 to 10 तक जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ द सिमुलेशन टाइम किस पे रहे हैं एज एन हेलिक्स रहे हैं. ठीक है.
सो वही हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज वेरी मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिमुलेशन, तभी तो प्रोटीन स्टेबल होगा ना. अब सपोज कि सिमुलेशन टाइम पे जो हेलिक्स है वो बीटा स्ट्रैंड बन जा रही है, लाइक स्ट्रैंड बन जा रही है, या फिर लूप है वो हेलिक्स बन जा रही है, तो दैट इज नॉट गुड. अब ये चेंजेस किस टाइम पे हमारे लिए सही होंगे? सपोज मेरे पास एक नोवल प्रोटीन आया है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है. तो व्हाट आई डिड, आई गो आई वेंट फॉर अ लाइक होमोलॉजी मॉडलिंग, आई प्रिडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ओके. देन आई रन अ लॉन्गर सिमुलेशन, देन आई विल सी दैट विच पार्ट ऑफ माई प्रोटीन रिमेन्स एज एन लाइक स्ट्रैंड, हेलिक्स और द लूप, ओके, एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो वो मुझे बताएगा कि मेरे जो प्रोटीन है उसका एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन क्या है, ठीक. तो ये रेजिड्यू इंडेक्स है, ये भी सेम ही एनालिसिस है, लाइक पार्ट कितना, कित फ्रैक्शन ऑफ द टाइम किस स्ट्रक्चर में किस फॉर्म में वो रहा, ठीक. सो दिस इज द थिंग, यू कैन गो फ्रॉम द PSSA. फॉर प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शंस दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. देन द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दिस RMSF वैल्यू, ऑल राइट. सो दिस इज द RMSF, लाइक रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन ऑफ द प्रोटीन, ओके. सो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोटीन है विच इज शोइंग मोर फ्लक्चुएशन. अब आप सोचो कि मेरे पास एक प्रोटीन है जिसमें कि एक लूप है, ओके. सपोज आई हैव अ काइनेज प्रोटीन जिसमें क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन लूप होती है जो कि क्लोज होती है एक्टिव फॉर्म में और ओपन होती है, मतलब ओपन होती है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है. आई गॉट सम इनिबिटर, आई बाउंड दैट इनिबिटर टू माई प्रोटीन. नाउ आई वॉन्ट टू सी दैट मेरा किस टाइप का इनिबिटर है, ठीक है. अभी लूप के मूवमेंट के हिसाब से ना काइनेजेस में देखते हैं हम कि मतलब Type 1 है, Type 2 है, ठीक है. तो अगर मुझे यहाँ से दिख रहा है कि माई लूप इज शोइंग फ्लक्चुएशन, इट इज चेंजिंग, इट इज शोइंग रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन द लूप रेजिड्यूज, देन आई कैन से दैट लाइक इट इज चेंजिंग. देन आई विल सी व्हाट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इट इज शोइंग, लाइक इफ इट इज गोइंग आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट आई कैन सी द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ माई इनहिबिटर्स. सो इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन की वैल्यूज है, लाइक हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इट हैज फ्लक्चुएटेड, एंड दीज आर द रेजिड्यू इंडेक्स, लाइक रेजिड्यू 0 to 20, 40, 60. सो हियर यू कैन सी लाइक इफ आई विल से दैट दिस रेजिड्यू, ओके, इट हैज शोन सम ऑफ द फ्लक्चुएशन. तो आई विल से दैट रेजिड्यू नंबर 113 ग्लाइसिन, इट इज शोइंग 0.84 एंगस्ट्रॉम फ्लक्चुएशन, ओके. सो नाउ आई विल सी दैट व्हाट वाज, आई विल कंपेयर इट विद माय लाइक इनिशियल फेम, लाइक कितना ये चेंज हुआ है, क्या इसमें कंफर्मेशन चेंजेस आए, ठीक है. लाइक अभी तो ये बहुत कम है, लाइक इन सम केसेस व्हेन प्रोटीन अंडरगोज ह्यूज कंफर्मेशनल चेंजेस वी नीड टू कंसीडर ऑल दिस फैक्ट, ओके. सिमिलरली ये सी एल्फा के केस में था, आप सी बैकबोन साइड चेन हैवी एटम किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो, ठीक. अब अगर हमें लिगैंड के रिस्पेक्ट में देखना है, प्रोटीन RMS लिगैंड RMSF, ठीक है. तो ये अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि सपोज मेरा जो लिगैंड है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट 9, 1, 9 एंड 8 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग, ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग, एंड इट इज शो इफ इट इज शोइंग इन स्टेबल बॉन्ड इट विल नॉट शो मच फ्लक्चुएशन, ठीक है. बट इफ इट इज नॉट स्टेबल, लाइक इट इज चेंजिंग, इट इज शोइंग वेरी मच फ्लक्चुएशन, लाइक इट इज समटाइम्स इज हेयर, समटाइम इज हेयर, एंड द स्टेबल बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्मिंग हेयर, ओके. सो इट मीन्स दैट इट इज नॉट स्टेबल. और एक चीज और होती है कि मतलब फ्लक्चुएशन उस पर भी डिपेंड करती है ना कि कितना उसको फ्रीडम है, लाइक अगर अगर मैं इस रिंग को देखूँ, इट इज अ रिजिड रिंग, सो इट विल नॉट शो मच लाइक फ्लक्चुएशन. द ओनली दिस बॉन्ड लाइक 8 to 7, इट कैन शो द रोटेशन, बेस्ड ऑन दैट इट कैन रोटेट, ऑल राइट. सो दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन वी नीड टू सी. सो दिस इज द फिट ऑफ द लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन. सो एटम नंबर 1, इफ आई क्लिक ऑन द एटम नंबर 1, यू कैन सी
दिस एटम हियर, जस्ट कंसीडर ऑन दिस 2D डायग्राम, ऑल राइट? सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस एटम नंबर 1, इट विल हाईलाइट द पोर्शन ऑफ द एटम इन दिस 2D डायग्राम. ओके, नाउ यू कैन सी फिट ऑन द प्रोटीन, इट शो 0.98 फ्लक्चुएशन. ओके, देन दिस दिस इज वेरी स्टेबल, लाइक 2, 2, 4 and 5, द रिंग एटम, दीज आर वेरी स्टेबल, लाइक दे आर शोइंग वेरी लेस फ्लक्चुएशन. सो लाइकवाइज वी कैन सी वट इज अ पार्ट ऑफ द लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन, लाइक हाउ मच इट इज फ्लक्चुएटिंग. सो लाइकवाइज यू कैन चेक द अलाइन ऑन द लिगेंड एज वेल. सो इन द इनिशियल लिगेंड, अब आप अगर इसको इनिशियल लिगेंड से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये पार्ट तो स्टेबल रहा है, लेकिन जो यहाँ पार्ट है ना आपका नाइन्थ नाइन्थ वाला, इट हैज शोन सम ऑफ फ्लक्चुएशन, लाइक इट इज चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिमुलेशन. ओके, सो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कंफर्मेशनल चेंजेस चेकआउट करने के लिए अपने प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स में. देन मूविंग टुवर्ड दिस, लाइक प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन डायग्राम. ओके, सो अगेन हमारा जो प्रोटीन और लिगेंड है उसका इंट्रैक्शन पैटर्न कैसा है वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, पीएल कॉन्टेक्ट से. ठीक, अब देखो क्योंकि हमने डायनेमिक्स चलाया, इट इज एन मॉलिकुलर डायनेमिक सिमुलेशन एंड इट इज अ डायनेमिक, लाइक इट 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 इज कैप्चरिंग द इंट्रैक्शन फ्रॉम 0 फ्रेम टू लाइक लास्ट फ्रेम. ओके, सो इसमें क्या होगा, मतलब पूरे 2 नैनोसेकंड तक देख रहे हैं ना कि हम कौन सा रेजिड्यू किसके साथ बॉन्ड बना रहा है. सो ये जो बॉन्ड होगा ये हम देखेंगे कि कितने टाइम तक इसने किस रेजिड्यू ने बॉन्डिंग करी और किस टाइप की बॉन्डिंग करी. सो जो बॉन्डिंग का जो कलर कोडिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हो, लाइक ग्रीन इज द एज बॉन्ड्स, दिस लेवेंडर इज द हाइड्रोफोबिक आयनिक बॉन्ड वाटर ब्रिजेस. ओके, सो दिस नॉलेज यू कैन गेट फ्रॉम हेयर. देन टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने बने, सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स कहाँ पे बने, ठीक है, तो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स इसके 6 बने हैं, किसी अमीनो एसिड ने बनाए, ठीक है, और कौन कौन से रेजिड्यू ने कौन कौन से, मतलब किस टाइप के मतलब इंटरेक्शंस बनाए, सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस किस रेजिड्यू ने बने. अब इंटरेक्शन क्या हो सकती है ना, वेरी कर सकती है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे Alanine-99 को, तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बनाए और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसने बनाए हुए, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब सपोज कि इसने क्या किया, जब सिमुलेशन टाइम 1 to 110 था, तो उस टाइम तक ये क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था किसी एटम के साथ, ठीक है, बट आफ्टर 10 नैनोसेकंड्स क्या हुआ कि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया. अब इसका कंफर्मेशन चेंज हो गया, अब ये क्या कर रहा है, लिगेंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना के हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बना रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है जो एक अमीनो एसिड है ना, दैट कैन एक्सिबिट वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड. ठीक, कौन से कितने स्टेबली किस रेजिड्यू ने बॉन्ड बनाया वो आपको यहाँ से पता चलेगा. ठीक, अब देखो वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे हमने क्या देखा है, ट्रेजेक्ट्री रेंज. अब हमने क्या देखा है, कंप्लीट रेंज ऑफ द ट्रेजेक्ट्री में कितने बॉन्ड्स बने यहाँ पे, ठीक है, 0 से 2 तक. अब हमें देखना है कि अब सपोज कि मेरा जो प्रोटीन है, मुझे लग रहा है कि इसने मेरा जो प्रोटीन है वो सिर्फ लास्ट के 0.5 लाइक 1 नैनो सेकेंड में स्टेबल है, तो मैं क्या चाहूंगी कि मैं सिर्फ उसी टाइप उस टाइम पे जो बॉन्ड बन रहे थे वही देखूं जब मेरा प्रोटीन लिगेंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया. सपोज इस टाइम पे देखती हूँ मैं 0.50 मतलब 1.5 नैनो सेकेंड टू 1.25 नैनो सेकेंड, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस टाइम को भी यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, लाइक सेट रेंज. ठीक, यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया. ऐसे नहीं इंक्रीज हो रहा, ये 0.52 0.75, ठीक, अप्लाई. अब आप देखोगे कि बॉन्डिंग पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि जब हमारे प्रोटीन स्टेबल था उस टाइम पे आइसोलेसिन 78 ने लिगेंड के साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाया था, वैलिन 87 ने, बस मतलब सबने हाइड्रोफिलिक बॉन्ड बनाए थे. जो GLN-102 था इसने क्या बनाया था, स्टेबली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, ठीक है. तो आप इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो टू सी
किस टाइम पे, मतलब स्टेबल, जब आपकी ट्रेजेक्टरी स्टेबल थी तब कौन कौन से बॉन्ड बने थे? ठीक, प्रोटीन लिगेंड बॉन्ड्स। अब लिगेंड प्रोटीन कॉन्टेक्स्ट, अब जो 2D डायग्राम हम देखते हैं ना यहाँ पे, कि लिगेंड ने किस टाइम पे, मतलब किस अमीनो एसिड ने कितना बॉन्ड बनाया। अब देखो ये तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। इफ यू सी, सबसे ज्यादा टाइम तक बॉन्ड कौन बना रहा है? GLN 102 बना रहा है। ऑलराइट, सो जब आप लिगेंड प्रोटीन कॉन्टेक्ट में जाओगे, यू विल सी दैट ओनली दिस बॉन्ड, लाइक ओनली दिस अमीनो एसिड GLN 102, इट इज मेकिंग 92% टाइप हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। दिस शुड बी हाइड्रोजन बॉन्ड आई थिंक। यस, लिगेंड इज नॉट कम्प्लीटली शोन हियर। ओके, सो इट इज मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस OH ऑफ द लिगेंड 92% ऑफ द सिमुलेशन टाइम। लाइक अगर 100 नैनोसेकेंड हमने बनाया हुआ है, तो 92 नैनोसेकेंड तक क्या है कि ये जो बॉन्ड है वो स्टे करता है। ठीक है, तो इस ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, लाइक इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ जैसे था। ठीक है, वो टाइम, मतलब टाइम मैंने चेंज कर दिया, थ्रू आउट द सिमुलेशन टाइम कर दिया। तो थ्रू आउट द सिमुलेशन टाइम इज 88% इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑलराइट, सो अब मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मिनिमम कॉन्टेक्ट स्ट्रेंथ है, इसको मैंने क्या रखा है, 30%। ठीक है, मतलब 30% से ज्यादा टाइम तक जिसने बॉन्ड बनाया है, ऐसे रेजिड्यूज को दिखाओ। ठीक, अगर मैं इसको 10% कर दूं, लाइक ऐसे रेजिड्यूज दिखाओ जिन्होंने क्या किया है, 10% बॉन्ड बनाया है। तो मुझे क्या मिल गए, दो रेजिड्यूज मिल गए। ठीक है, जिसने क्या किया, थ्रू आउट द सिमुलेशन टाइम बॉन्ड बनाया है इसने, तो 88% टाइम ऑफ द सिमुलेशन टाइम बनाया है। Alanine-99 ने 2% ऑफ द सिमुलेशन टाइम क्या बनाया, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, दैट यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम हियर। सो वन इंफॉर्मेशन इज दैट, देन अनदर वन इज द लिगेंड टॉर्शन। लाइक व्हाट काइंड ऑफ लाइक व्हाट काइंड ऑफ टॉर्शन मीन्स हाउ द बॉन्ड इज, हाउ दिस पार्ट, लाइक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिगेंड्स आर चेंजिंग ड्यूरिंग द सिमुलेशन टाइम। ओके, सो लाइक ग्रीन डिनोट्स टू दिस पार्ट, ब्लू डिनोट टू दिस पार्ट, दिस बॉन्ड। ओके, सो हाउ इट इज मूविंग, सो इट इज शोइंग द रोटेशन। सो इफ यू सी दिस, लाइक दिस शोज द रोटेशन, 90 90 +90 डायरेक्शन, -90 डायरेक्शन, 0 डायरेक्शन एंड -80। सो यू कैन सी दैट इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग दिस साइड, इट इज ऑक्यूपाइंग दिस साइड। लाइक दिस, दिस ओ एच, इट हैज ऑक्यूपाइड दिस साइड, लाइक इट इज शोइंग 0 to लाइक पॉजिटिव प्लस एंड एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन यू कैन गॉट फ्रॉम हियर, लाइक हाउ द कन्फर्मेशन ऑफ द लिगेंड इज चेंजिंग। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द लिजेंड हियर। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस लिजेंड, यू विल सी एंगल ऑफ द बॉन्ड एट द गिवन टाइम ड्यूरिंग द सिमुलेशन, लाइक हाउ इट इज मूविंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो टॉर्शन, लाइक टॉर्शन एंगल बोलते हैं इसको, कि व्हाट इज द टॉर्शन एंगल। देन द टॉर्शन पोटेंशियल, लाइक टॉर्शन पोटेंशियल और जो टॉर्शन एंगल होता है ना, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, लाइक टॉर्शन पोटेंशियल कितना है और टॉर्शन एंगल कितना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली इससे आपको पता चलता है कि कन्फर्मेशन ऑफ द लिगेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। देन देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड विच यू कैन सी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विद दिस लाइक सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम। सो लाइक कितने इसका प्रोटीन PSA, मतलब पोलर सरफेस एरिया कितना था, सॉल्वेंट एसेसिबल सरफेस एरिया कितना था। सो यहाँ पे जो लाइक एट 0.43 इसका जो सॉल्वेंट एसेसिबल सरफेस एरिया था ये अच्छा था। ठीक है, मॉलिकुलर सरफेस एरिया कितना था, इंट्रा एच पी बॉन्ड कितने मिले, रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी थी, RMSD इतनी, इसने कितनी शो की हुई है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इस वाले से मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो सरफेस एरिया, पोलर सरफेस एरिया, सॉल्वेंट एक्सेसिबल सरफेस एरिया, ये कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जब हमें
प्रोटीन के बाइंड के साथ इसकी बाइंडिंग देखनी है, या फिर हमें देखना है कि जो मतलब लिगेंड है अगर उसका पार्ट है वो सॉल्वेंट एक्सपोज होगा, ठीक है, तो यानी कि वो पोलर है वाटर के साथ. सॉल्वेंट एक्सपोज मतलब बॉडी के अंदर कौन सा सॉल्वेंट है. इन अवर बॉडी द सॉल्वेंट इज द वाटर. ऑलराइट, सो वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो अगर कोई लिगेंड का कोई पार्ट सॉल्वेंट एक्सेसिबल है, ठीक है, या फिर उसका पोलर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो दैट पार्ट वुड बी अलाइंड टुवर्ड द एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटीन और टुवर्ड द सॉल्वेंट. तो उस तरीके से आप प्रोटीन अपने लिगेंड को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है. सो दिस एनालिसिस यू कैन परफॉर्म दिस सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम. ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर इस ये सारी सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम की एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, आप कहाँ पे जाओगे, जनरेट रिपोर्ट्स. नाउ इट विल गिव यू डिफरेंट ऑप्शन लाइक जनरेट PDF रिपोर्ट्स, ठीक, प्लॉट्स एंड द डेटा. यू नीड टू क्लिक ऑल दीज थिंग्स एंड क्लिक ओके. वंस यू विल क्लिक ओके यू विल गेट अ फोल्डर लाइक दिस. सो ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी जस्ट सॉ यू कैन गेट फ्रॉम दिस PDF रिपोर्ट, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो. एक इंफॉर्मेशन ये PDF रिपोर्ट की, दूसरी क्या है, इमेजेस है. जितनी भी इमेजेस हमने देखी है ना इसकी, वो सब इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी रॉ इमेजेस में, जिसको आप अपनी मतलब पब्लिकेशन के लिए या किसी भी चीज में यूज कर सकते हो. नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हो गया इज द रॉ डेटा, ठीक है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, .DAT फॉर्मेट होता है, ठीक, इनके एक तरीके से ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है. आपको एक्सेल में विजुलाइज करना है, यू वांट टू क्रिएट योर ओन चार्ट, आपको इसका जो RMSD डायग्राम है या फिर वो अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में, और वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो ग्राफ. लाइक यू कैन सी जो चीज हम मतलब जिस चीज से ग्राफ बनी हुई थी ना, वो यहाँ पे जैसे फ्रेम 0 स्टार्टिंग का फ्रेम, ठीक है, अब प्रोटीन की फ्रेम 0 में प्रोटीन की कार्बन अल्फा की RMSD कितनी थी, RMSD है, ठीक है, तो प्रोटीन की RMSD विथ प्रोटीन के साथ आप देख सकते हो, फ्रेम 0 के कंपैरेटिव आप देख सकते हो. सो इन पैरामीटर्स को लेकर के आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में ग्राफ कैलकुलेट बना सकते हो अपने, ठीक, या फिर किसी भी ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म से विच इज यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ द ग्राफ, उसके लिए ये डेटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है, हर चीज का डेटा यहाँ पे मिल सकता है, ठीक. सो या दैट इज इट फॉर लाइक विद रिस्पेक्ट टू दिस सिमुलेशन इंट्रैक्शन डायग्राम एंड द एनालिसिस. अब मुझे बताओ कितना समझ में आया. आर यू देयर, हेलो अंकित, मैम, हेलो मैम. हाय हाय प्रियंका. मैम, आपने वो एनालिसिस के लिए कौन सा फाइल सिलेक्ट किया था वहाँ पे जॉब के लिए, मतलब जो out.cms फाइल, जो आपकी जो सिमुलेशन की जो आउटपुट फाइल है ना, दैट यू विल सिलेक्ट एज एन इनपुट फॉर द लिगेंड इंटरेक्शन डायग्राम. अभी जनरेट करवाती हूँ मैं आप लोगों से, मतलब यू वन ऑफ द लाइक यू एंड अंकिता वन ऑफ द पीपल कैन शेयर योर स्क्रीन, फिर हम लोग करेंगे साथ में इसको. अच्छा ये बताओ, ये सब समझ में आया गया ना कि हमें फाइल का एनालिसिस कैसे करना है, लाइक व्हाट इज आर एम मैम एस डी, RMSF, प्रोटीन लिगेंड कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट. मैम थोड़ा एक और बार देखना पड़ेगा वो. हाँ देखना तो पड़ेगा ना अभी हम, मतलब लेकिन बेसिक आइडिया आया आपको कि क्या है. हाँ जी मैम, अंकिता आपको समझ में आया यस मैम. कि हम एनालिसिस के टाइम पे क्या कर रहे हैं. हाँ मैम, मेरे को समझ में आया. चलो ठीक है, अब कोई भी एक जना ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, फिर हम जॉब लगाते हैं ये वाली. आप शेयर कर लो प्रियंकु, हम कितना करना, शायद सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं हो पाए. हाँ जी मैम, कर रहा हूँ.
मैम, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ अंकिता, लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और समथिंग? शी जस्ट टोल्ड मी दैट उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाया है, वही देख रही कैन हूँ। वी या कैन वी रिसॉल्व दैट प्रॉब्लम? वी विल रिसॉल्व दैट प्रॉब्लम वंस वी विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम ना। ओके ठीक प्रियंको को स्क्रीन शेयर करने दीजिए फिर देखते हैं। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? यस नाउ टुडे इवन वी आर एबल टू सी द लाइक अदर अदर विंडोज एज वेल लाइक मॉनिटर। माई जॉब, एमडी जॉब इज करेंटली रनिंग. एमडी ट्रेनिंग इज रनिंग ना, सो यू हैव यस सर. लाइक यू हैव स्टार्टेड द जॉब। यस मैम, लाइक एट स्टेज 7 इट इज रनिंग, द लास्ट स्टेज. जस्ट कैन यू प्लीज क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन बटन लाइक दिस। नो 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 दिस जॉब 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 का जो है ना ये जहाँ पे रनिंग है उसके वहां पे एक ट्रायंगल है जिससे जॉब का स्टेटस पता चलता है, उसको क्लिक करो। मॉनिटर हियर हाँ, मैम. ये जो ऊपर आप देख रहे हो जॉब आईडी, हाँ इसको क्लिक करो। अब लास्ट वन को क्लिक करो, रनिंग पे क्लिक करो। हाँ क्लिक करो, क्लिक क्लिक ऑन दिस। हाँ सो अभी आपका कितना हुआ है, काफी अच्छी स्पीड है, 328 नैनोसेकंड डे है। कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, ये इंस्टीट्यूट का है क्या, आपका ही लैपटॉप है? अरे नहीं मैम, डेस्कटॉप पे मेरा खुद का. वाह बहुत अच्छी स्पीड है, नाइस। आपकी जो जॉब है कितने 1 नैनोसेकंड की लगाई है आपने जॉब? हाँ जी मैम, आपने जो दिया था ना वो ही वाला 1 नैनो हाँ सेकंड. ठीक है ठीक है। एक मिनट, सबसे बॉटम पे चलना, 762 पिकोसेकंड की जॉब हो गई है, 1000 तक होनी है। ठीक है आपकी एक बार जॉब कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपका जहाँ पे इसका वो है जहाँ पे आउटपुट स्टोर हो रहा है उस फोल्डर पे जाओ। जॉब कंप्लीट होने के बाद मैम, नहीं नहीं अभी जाओ, अभी होने वाली होगी वैसे, कंप्लीट हो जाएगी, 10 मिनट लगेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा। एमडी जॉब मिनिमम जॉब नहीं, वो एमडी एमडी अंडरस्कोर जॉब होगा। दिस वन मैम. यू कैन सी द नेम, आई थिंक इट्स कंप्लीटेड, यस इट्स मैम, कंप्लीटेड, योर एमडी जॉब हैज बीन कंप्लीटेड, जस्ट फिनिश दिस। यस नाउ यू कैन सी दैट वेरियस फाइल्स हैज बीन, 1 सेकेंड ना, दिस इज योर फाइल ना, योर जॉब हैज बीन कंप्लीटेड। मैक्सिमाइज दिस फोल्डर तो देर विल बी सम आउटडोर सीएमएस फाइल, जस्ट चेक द लास्ट रो, लास्ट रो, लास्ट रो, यस या मैम, दिस जस्ट वन आउटडोर सीएमएस, दिस विल सर्व एज एन इनपुट फॉर योर सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम। ओके नाउ गो टू द सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम। हाँ लोड लोड, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लास्ट बटन, लास्ट वन, यू कैन जहाँ पे पीकू लिखा हुआ है ना, पीकू, वहां पे आप देखो कि कुछ आइकन्स है राइट साइड पे, देखो कुछ आइकन्स है राइट साइड पे, सबसे लास्ट वाले को क्लिक करो, सबसे लास्ट वाले को, डिटेल्स पे। ठीक है इसको थोड़े स्ट्रेच करना, ठीक है अब इसको शॉर्ट कर लो डेट मॉडिफाइड से। और दस तारीख का 24 दिस वन मैम. दिस वन ना, अब यहाँ से सेलेक्ट करो। हाँ ओपन, ठीक है सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट ऑल रन एंड स्टार्ट दिस विल बी स्टार्ट। स्टार्ट. एरर यू कैन जस्ट अगेन यू कैन स्टार्ट द लाइक मैस्ट्रो।
आई क्लोज द मेस्ट्रो मैम. नहीं, यू हैव यू सेव द प्रोजेक्ट ये फाइल, सेव प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एज, गिव इट अ नेम अंडरस्कोर, यूज अंडरस्कोर। ओके ठीक है, नो नो इशू, जस्ट क्लोज नाउ, क्लोज प्रोजेक्ट देन क्विट, क्लोज प्रोजेक्ट फर्स्ट, क्लोज द प्रोजेक्ट, हाँ क्विट मेस्ट्रो, नाउ क्विट मेस्ट्रो, ओके नाउ स्टार्ट योर मेस्ट्रो। एलिमेंट, व्हाई आर यू ओपनिंग एलिमेंट, वी डोंट नीड टू। मैम. दिस मेस्ट्रो मैम, नॉट एलिमेंट्स मैम. नाउ गो टू द फाइल, रीसेंट प्रोजेक्ट, ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट, ओपन योर प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, आप यहाँ से फिर से ओपन करो। नाउ लोड लोड योर फाइल फ्रॉम हियर। नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, एमडी जॉब, हाँ ओपन, सिलेक्ट ऑल, रन, स्टार्ट। क्या सेम एरर आ रहा है? प्रॉब्लम. एरर अकर्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिटर्न टू, क्लिक करने एक बार डॉट टीएक्सटी को, ईएफ फाइल डब्ल्यू, परमिशन एरर, परमिशन डिनाइड, कहाँ पे सेव किए फाइल, परमिशन डिनाइड क्यों हो रहा है? ओके एमएम शेयर स्क्रिप्ट, ईएफ ओपन, ईएफ टेम्प फाइल डब्ल्यू, परमिशन एरर, एक सेकेंड ना, वो जॉब इनकॉर्पोरेट होगी, ओके करने एक बार, कट करो इसको, इसको कट करो, जॉब्स पे जाओ, मॉनिटर क्लिक करो इस पे, कहाँ पे स्टोर हुई जॉब, नहीं फाइल्स, डिटेल्स पे जाओ, डिटेल्स डिटेल्स, नहीं स्क्रैच पे तो नहीं है ये, एक बार दोबारा उस फोल्डर पे जाओ जहाँ पे जॉब है, यहाँ पे ना, ये ऐसा एरर क्यों आ रहा है इसमें, राइट क्लिक करके पीडब्ल्यूडी डालना, ओपन कहाँ पे टर्मिनल, मैम? ओपन इन टर्मिनल, पीडब्ल्यूडी, TWD. पी पी पी, एंटर मैम. हाँ एंटर, होम पे ही है, होना नहीं चाहिए ये वाला है, एक बार कट करना, दोबारा से स्टार्ट करो, कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी एरर होता है, या फिर जॉब की प्रेफरेंसेस हम चेंज कर देंगे, कट करो इसको, क्रॉस कर दो इसको, हाँ एक बार फिर से लोड करो और उसकी प्रेफरेंसेस चेंज कर देंगे, फिर से लोड करो, नहीं, उसको ये सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम को ही, ओके. लोड करो, फिर रन करने का ऑप्शन नहीं है कहीं पे, हाँ एक मिनट रुकना, हाँ आउट डॉट सी एम एस अपेंड टू न्यू एंट्री एज अ न्यू ग्रुप, यू ट्रेनिंग आउट लोकल होस्ट, जॉब सेटिंग, प्रोजेक्ट भी सेव है, स्टार्ट करना एक बार फिर से, एरर आना तो नहीं चाहिए, अनयूजुअल एरर है। अच्छा इस एरर को एक बार भेजना तो मुझे, मैं इसको चेक करूँ कि किस, ये एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि एज इट इज स्क्रैच डायरेक्टरी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, एक्सेप्शन है ये, एरर भी नहीं है। इस डॉट टीएक्सटी को क्लिक करो और मुझे सेंड करो, मैं भी ओके देख करके बताती हूँ। ठीक है ओके, उसको भेज देना व्हाट्सएप मैसेज पे। अंकिता आपका क्या मैम. एरर आ रहा था इंस्टॉलेशन पे?
मैम, जो मैंने लास्ट टाइम आपको व्हाट्सएप में वो बताया था ना मैसेज, वही हाँ सेम मेरे को आ रहा है वापस से. अच्छा, सेम आ रहा है आपको, तो उसके लिए वो सेम ही कमांड्स चलाओ ना. मैंने चला के करे थे बट फिर इसमें नहीं हो रहा है अभी. नहीं हो रहा, एक बार स्क्रीन मैं शेयर करके, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ. हाँ मैंने मतलब डाउनलोड किया था 2018 वाला वर्जन, और फिर जब मैं इसको टर्मिनल में खोलती हूँ मैं डायरेक्ट इंस्टॉल पे जाती हूँ. राइट, तो इंस्टॉल किया है अपनी, एक बार इंस्टॉल वाला ओपन करके, ओपन नहीं हो रहा मैम वो क्या? हो ही नहीं रहा है वो. दिखाओ एक बार, ओपन करो, ऐसे नहीं वाला नहीं एरर तो नहीं नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसे ये क्या है इंस्टॉल फाइल ये इंस्टॉल ऐसे ही आ कर? रहा है मैम. अरे इंस्टॉल ऐसे नहीं करते ना, इसको कट करो. हाँ टर्मिनल मैंने ओपन, टर्मिनल में उसको खोला है. हाँ हाँ करो करो इसको. हमने हमने इसकी मैम इसमें जो डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी बनाने को बोल हाँ डायरेक्टरी चेंज करी थी ना हमने इसकी, क्योंकि आपका सूडो का रूट का पासवर्ड नहीं पता था हमें. तो मैं सूडो SU करके देखूँ क्या एक बार, क्योंकि करके देख, उसका हाँ करके देख लो. वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा. जब आप इंस्टॉल करोगे ना उसको, डॉट इंस्टॉल चलाओगे, उस टाइम पे लगेगा वो सूडो. वहीं पे स्टार्टिंग में डॉट इंस्टॉल से पहले आपको परमिशन देनी है. SU नहीं, SU नहीं, सूडो स्पेस डॉट इंस्टॉल डॉट स्लैश इंस्टॉल. आप पासवर्ड दो यहाँ पे अगर पता है तो. हाँ अच्छा पासवर्ड पता है आपको, अब एंटर करते रहो फिर. इसके लिए भी एंटर करूँ ना. हाँ, सब एंटर करो. प्रियंकु, आपने भी सारा सूडो के साथ ही इंस्टॉल किया था क्या सॉफ्टवेयर? हाँ जी मैम. स्क्रैच डायरेक्टरी में ही आ रहा है ना आपको भी एरर? हाँ जी मैम. स्क्रैच में ही आ रहा है, मे बी अंकिता को भी आया, क्योंकि वो बोल रहा है कि स्क्रैच डायरेक्टरी है ही नहीं यहाँ पे, वो बनानी पड़ेगी उससे पहले, या तो स्क्रैच डायरेक्टरी. मैंने स्क्रैच जब इंस्टॉल किया था वहां पे खुद ब खुद उन्होंने मतलब माएस्ट्रो के टाइम खुद ब खुद स्क्रैच डायरेक्टरी मतलब बनाया गया. बन गया था. हाँ जी मैम, वहाँ पे ऑप्शन आता है मैम स्क्रैच डायरेक्टरी बनाए कि ना बनाए, वहाँ पे अच्छा, यस दबाया था. इनका उसका नहीं आया था स्क्रैच बनाने का, उसमें लिखा था कि इट इज़ नॉट अवेलेबल, मेक श्योर दैट इट इज़ अवेलेबल, एक बार चेक कर लेना कि वो है या नहीं है. और सूडो के साथ ही इंस्टॉल किया था ना आपने भी? हाँ जी मैम. स्क्रैच का एरर नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्यों आ रहा है परमिशन एरर. एक बार चेक कर लो स्क्रैच डायरेक्टरी का. मैं
स्क्रैच अंडरस्कोर पीकू, नहीं, अंकिता तुम इंस्टॉल करो ये, प्रिय हमको चेक कर लेंगे। देखो मैम स्क्रैच कहाँ पे? अंडरस्कोर, स्क्रैच अंडरस्कोर पीकू करके कोई है क्या? अपने उसमें कंप्यूटर में जनरल सर्च करो। क्या हो गया? मैम शो नहीं हो रहा है कोई स्क्रैच। होम पे जाके सर्च करो स्क्रैच अंडरस्कोर पीकू। हाँ मैम वही जैसे लास्ट टाइम पे ना किया है। ये मैसेज आया, ये अभी जब मैंने किया था इंस्टॉल करने का तो मुझे ये आया था मैसेज। अच्छा कॉपी कॉपी एरर टू फ्लिप फ्लिप, एरर पता चलना चाहिए ना कि क्या आ रहा है ये। मतलब ये अभी आया है मैसेज, पहले आया था? ये पहले आया था जब मैंने इसको इंस्टॉल क्लिक, इसको किया हटा दो अभी। मैम, स्क्रैच डायरेक्टरी नहीं शो हो रहा मैम। नहीं हो रहा ना स्क्रैच डायरेक्टरी, क्योंकि शायद स्क्रैच बनी नहीं है तो मैम उसको। डेजमेंट को फिर से इंस्टॉल करके देखो और एक बार मैम। हाँ उसको इंस्टॉल करते टाइम जो स्क्रैच डायरेक्टरी है ना आपकी, उसको चेंज कर लेना कहीं, एक लोकल बना करके उसको एज एन स्क्रैच डायरेक्टरी दे देना, मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर देना। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलाओगे यहीं से ही प्रोग्राम, बस इंस्टॉल दोबारा कर लो उसको, स्क्रैच को सेव कर लो। यस यस कर दो इसको। नो कर दो आप इसको, लास्ट वाले को बस यस करना। एलिमेंट का क्या करोगे बना के? अच्छा ये भी नहीं चाहिए ये हमें। बायोलुमिनेट को भी नो कर हाँ ये भी नहीं चाहिए हमें अभी, दूँ? हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है ना। नो कर दो, ये भी नो। नो कर दो। हेलो यस कर दो इसको। ओके यस ओके। ये मैम मैंने भी ट्राई किया था तब नहीं हो रहा था। ये मैंने सूडो से भी किया था तो भी नहीं हो रहा था, पता नहीं। अब देखते हैं होता है नहीं होता है, मतलब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है ना। अभी मैं इसमें यही वही कमांड्स डालू ना पहले चलाने से पहले? हाँ डायरेक्टली चला लो ना इसको ऐप्स ओके में जाके। ये नहीं, मेस्ट्रो एलिमेंट नहीं चलाना है, मेस्ट्रो चलाना है। हाँ अच्छा ओके मैम। इसको चलाओ, लेट सी क्या एरर आ रहा है, क्या हो रहा है। ये शायद पुराना है आपका टर्मिनल, इसको क्लोज कर दो। हाँ चल गया ना, देखो हाँ चल गया। मैम वेट वेट, आप एक बार आप भी चेक करो आपके उसमें क्या स्क्रैच डायरेक्टरी है या नहीं है। जनरली मैंने अभी फिर से बनाया है, अभी स्क्रैच डायरेक्टरी खुद से मैंने असाइन किया है, एक फोल्डर बना असाइन के। किया ना। हाँ ठीक है उसको कर दो। मैम वो मैं कहाँ सर्च करूंगी फाइल्स हाँ में यहाँ पे जाओ, जाके? अदर अदर लोकेशन पे जाओ, पूरा कंप्यूटर में सर्च कर लेते ना, अदर्स पे जाओ, अदर लोकेशन पे क्लिक करो। अच्छा हाँ हाँ अब कंप्यूटर पे जाओ, कंप्यूटर पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सर्च सर्च जो दिख रहा है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, इस पे क्लिक करके स्क्रैच डालो। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरल सर्च करो इस पे। हाँ स्क्रैच, हाँ ये पहले वाली स्क्रैच डायरेक्टरी है जब हम लोग पहले इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो ये बना हाँ करके मैंने आपको इसकी वो करवाई थी है हाँ ना, ये वो वाली है। देखो अभी जो आपने बनाई है, जो वहाँ पे लोकेशन है ओपीटी या कहीं पे, वहाँ पे नहीं है स्क्रैच डायरेक्टरी, नहीं बन रही है उसमें। उसने लिखा भी था वहाँ पे कि मेक श्योर कि हाँ एक बार आप भी रन करके देखो कि आपका भी सेम टाइप का अगर प्रियंकु वाला एरर आ रहा होगा तो
तो अब दोबारा इसको इंस्टॉल करना, और स्क्रैच डायरेक्टरी जो पहले की बनी हुई है ना इसकी लोकेशन दे देना। कैसे करोगे? राइट टर्मिनल को क्लिक करके जहाँ पे स्क्रैच डायरेक्टरी है उसका PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लेकर के कॉपी करना है वहाँ पे, ठीक है, पाथ देना है उसका। मैम एक और बार बताइएगा कैसे करना हाँ, वहाँ पे जाओ फोल्डर जहाँ पे वो लोकेटेड है, डेसमेंट करके एक फोल्डर था, होम में कहीं पे था। डेसमेंट फोल्डर पे जाओ। दूसरे बार एक और डेसमेंट, हाँ इसमें स्क्रैच है ना, अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करो या फिर कंट्रोल टी कर लो। हाँ, अभी यहाँ पे लिखो PWD, PWD। हाँ जी ठीक। हाँ देखो, ये आपकी लोकेशन है इसकी वर्किंग डायरेक्टरी की, /home/fully डेसमेंट और स्क्रैच है ना, दिस इज द लोकेशन ऑफ योर डायरेक्टरी। इसको ही आपको कॉपी करके पेस्ट करना है स्क्रैच के टाइम पे। हेलो, ये लोकेशन को ना। हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके आप करना अभी तक जितना सिखाया है ना, फिर ओके बताना कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, एक बार रन शेयर ओके करो। प्रियंको, आपका हो गया? हाँ जी मैम, अभी मैं रन कर रहा हूँ फिर से, और एक बार ट्राई हो करता रहा है? हूँ। हाँ, एक बार बताओ रन होता है या नहीं होता है, देखते हैं। हुआ रन या फिर सेम एरर आ रहा है? मैम अभी मिनिमाइजेशन कर रहा हूँ मैम। नहीं, मिनिमाइजेशन नहीं करना, तुम शेयर करो, बाकी तुमने सब किया हुआ है ना, शेयर हाँ करो, जी स्क्रीन मैम, शेयर करो, कुछ नहीं करना है, सिंपल वहीं से ही चलाना है इंटरेक्शन डायग्राम से। अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम। चलो 5 मोर मिनट्स, वी विल टेक। हाँ जाओ यहाँ से, टास्क में जाओ, टास्क टास्क टास्क। हाँ, सिमुलेशन इंटरेक्शन डायग्राम। यहाँ से लोड करो वही वाली पुरानी वाली। ये है 12 जुलाई वाली। हाँ, आउटडोर CMS ओपन रन। सेम सेम एरर है, क्लिक करो, सेम है या कुछ और है, क्लिक करो इस पर। परमिशन सेम है मैम। डिनाइड, EAF temp1.pqeftemp, ये कोई फाइल है, देखना ये वाली EAF_temp1EAF कहाँ पर है, इसको इसको सर्च करो। अदर लोकेशन पे जाओ, होम पे मत जाओ, अदर लोकेशन पे जाओ, अदर लोकेशन। हाँ, कंप्यूटर 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 सिलेक्ट करो, अब यहाँ पे सर्च करो। सर्च करो इसको। हाँ, हाँ सर्चिंग में है। देखते हैं ये फाइल है कहाँ। No found ना, ये फाइल ही नहीं है तो परमिशन किसके। अब इससे जो पुराना वाला फोल्डर है कट करना, कट करना है, एरर को ही क्लिक करो, इसको मिनिमाइज कर दो, इसको ना नीचे ले आओ। हाँ, ये scratch_pq सर्च करना।
नहीं है ना। अब एक बार तुम इसको एक काम करना, अब तुम इसको स्टार्टिंग से ही रन करके करना। ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरमीडिएट फाइल बन रही हो, है ना, जिसकी इसको ओके लोकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, ओके मैम ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो जब हमने पहले जॉब चलाई है ना, तो प्रीवियसली जो स्टोर पैरामीटर्स थे वही इसमें स्टोर होंगे सारे। ठीक है, फिर बताना कि ओके जॉब रन हुई है नहीं। ठीक, अब कल मैम मिलेंगे हम लोग, थोड़ा एडवांस जो टेक्निक्स है उसके बारे में और केस स्टडीज पढ़ेंगे कि क्या ओके कहाँ पे मैम स्टेबल ट्रेजेक्टरीज होती है, कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ठीक ओके मैम है। कल आप लोगों की क्लासेस होती हैं क्या कल, अंकिता? मैं तो लैब में काम करती हूँ, तो मेरा तो लैब वर्क ही रहता है मोस्टली। मेरी अच्छा, आप पीएचडी कर रहे हैं? अच्छा, जी ठीक, फिर इसी टाइम पे क्लास ले लेंगे कल। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना जी इसको। मैम ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। ठीक, चलो ठीक है, चलो बाय ओके बाय मैम बाय बाय, गुड नाइट। बाय थैंक यू।